हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये गरारा कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने कपड़े को इस तरह से चार भाग में फोल्ड कर दिया है। कपड़े को चार फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर हमारी लेगी, जो भी आपकी लेगी को इस तरह बंद भाग की तरफ से, इस तरह लंबाई में बंद भाग की तरफ रख कर हम इस पर प्लेस कर देंगे। देखिए, इस तरह से हमें लेगी को रख देना। इसके बाद हमें लेंथ, देखिए यहाँ पर जो गरारे की लंबाई है, फुल लेंथ है, वो 35 इंच है। तो ऊपर का पार्ट मैं यहाँ पर 22 इंच ले रही हूँ। देखिए, इस तरह से हम मैंने 22 इंच पर ऊपर से निशान लगा दिया। आपको इसकी लेंथ, अगर आपके लिए भी बना रहे हैं, तो आपकी लेंथ इसको आपकी घुटने के ऊपर ही रखनी है। नी के ऊपर हम अपनी लेंथ रखेंगे। देखिए, इसके बाद हमें इसकी मार्किंग करना है। तो खुली भाग की साइड से हमें 2.5 से 3 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से निशान लगा देना है। हमें 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर लेना है। इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। देखिए, इसके बाद हम अब घेरे की कटिंग करेंगे। ये ऊपर का पार्ट हमारा रेडी है। अब इसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में कपड़े को फोल्ड कर देखिए, इस तरह से आपको ट्रायंगल शेप में कपड़ा फोल्ड करना है। इसके बाद जो हमारा बॉटम पार्ट है, देखिए इसका जो नीचे वाला भाग है, हम इस तरह से रख देंगे। हमें कमर नहीं रखना है, जो नीचे वाला लेग वाला भाग है वो हमें यहाँ पर रख देना है और उस तरह से निशान लगा लेना है उसके बराबर। इसके बाद आपके घेरे की लंबाई, देखिए यहाँ हमारी टोटल लंबाई है 35 इंच। 22 इंच का हमने यहाँ ऊपर का भाग लिया है, तो घेरे की लंबाई मैं यहाँ 13 इंच रख रही हूँ। इस तरह से आप भी अपनी लंबाई मेज़र कर घेरे का नाप लें। देखिए, इसके बाद हमने नीचे 13 इंच का निशान लगाकर इसको राउंड शेप दे दिया। अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमें जो हमारी गरारा की कटिंग है वो पूरी हो चुकी है। इसी तरह से हमने दोनों भाग काट लिए हैं। अब इसके बाद हम इसे स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के लिए सबसे पहले हम जो हमारा टॉप पार्ट हमने कट किया था उसको इस तरह से जोड़ देंगे। हम नीचे से, देखिए इस तरह से दोनों भाग को हमें रखकर जोड़ देना है। यहाँ ऊपर और नीचे के भाग, दोनों भाग को हमने जोड़ दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर इसमें घेरा लगाएंगे। तो घेरा लगाने के लिए, देखिए जो हमने घेरा कट किया है नीचे का, इस तरह से उनमें सल देते हुए हमें इसमें अटैच करना है। छोटी छोटी सी चुन्नट लगाते हुए हमें इसमें अटैच कर लेंगे दोनों। चलिए, इससे पहले अटैच कर लेते हैं। देखिए, इन दोनों भाग को इस तरह कर रखकर हमें छोटे छोटे से सल इसमें देकर पूरे घेरे का सल इसमें दे देना है। देखिए, इस तरह से हमने छोटे छोटे सल देते हुए पूरे घेरे में इसको लगा लिया। हमारा एक यहाँ पर पैर तैयार है। इसी तरह हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। देखिए, यहाँ इस तरह से दोनों भाग में हमने बॉटम का घेरा तैयार कर लिया है। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। यहाँ मैंने गोटा पट्टी की लेस ली है। इस तरह से हम यहाँ पर, देखिए जहाँ हमने घेरा लगाया था वहीं इसे अटैच करना है। और इसके बाद हमें नीचे, हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद आप यहाँ पर भी लेस लगा सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर लेस लगा ली है। इस तरह से आप नीचे भी लेस लगा सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर सिर्फ घेरे के यहाँ पर लेस लगाई है। और इसके बाद इसे नीचे से इस तरह से फोल्ड कर लिया। आप यहाँ पीको भी करवा सकते हैं। अब हम इसे सीधे अटैच कर देंगे। देखिए, सीधे हम इन दोनों भाग को अटैच कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लास्टिक लगाएंगे। लास्टिक के लिए यहाँ में आप नाड़ी भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ लास्टिक लगा रही हूँ। लास्टिक के लिए आप अपनी कमर से लास्टिक को 4 या 5 इंच कम रखेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने लास्टिक अटैच कर लिया है और नीचे से इन दोनों भाग को जोड़ दिया है। हमारा गरारा बनकर तैयार है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।